जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फा और प्रिंस के बीच उनके प्यार के गेम की शुरुआत हो चुकी होती है और फा डिसाइड करता है कि वो प्रिंस को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करेगा। फा अगले दिन से ही काम पर लग जाता है। सुबह सुबह फा प्रिंस को खुश करने के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है। प्रिंस सोया रहता है जब उसकी आँख खुलती है और फा को अचानक अपने इतने करीब देख कर वो घबरा जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। फा उसे याद दिलाता है कि कल रात प्रिंस ने उससे फ्लर्ट करने की परमिशन दी थी, इसलिए आपसे वो नॉनस्टॉप वैसा ही करने वाला है। फा प्रिंस को इस चीज़ के लिए तैयार रहने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी इंसान है। फा की बातें प्रिंस को थोड़ा डराती भी और एक्साइट भी करती हैं। उसके बाद स्कूल जाने वाले रास्ते में प्रिंस को कुछ बोर्ड्स दिखते हैं जिसमें लिखा होता है कि प्रिंस बहुत क्यूट है। स्कूल में बच्चे दरवाजे के पास खड़े प्रिंस का वेट करते हैं। बच्चे बोर्ड की तरफ इशारा करके प्रिंस को दिखाते जहाँ पर फा ने उसके लिए ड्राइंग बनाया था और बेस्ट ऑफ लक लिखा था। फा प्रिंस को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है और प्रिंस के चेहरे की खुशी बताती है कि फा इस चीज़ में कामयाब हो रहा है। अगले सीन में हम प्रिंस को किसी बच्चे के साथ हेल्थ सेंटर में देखते हैं। फा प्रिंस को एक दवाई की बोतल देता है जिसके अंदर से प्रिंस को एक प्यारा सा नोट मिलता है। रात को प्रिंस को अपने घर के बाहर बहुत सारे फ्लावर्स भी मिलते हैं। फिर प्रिंस अपने कमरे में बुक पढ़ रहा होता है जब उसे फा के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। खिड़की खोलने पर उसे फा गिटार लेकर गाना गाते हुए मिलता है। फा गाते गाते उससे पूछता है कि क्या आज रात वो उसके साथ रह सकता है। प्रिंस पहले तो मना कर देता है, फिर फा को अपने घर के अंदर देखकर मान जाता है। एक ही ब्लैंकेट होने की वजह से प्रिंस फा को टॉवल यूज करने के लिए देता है। फा को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, वो तो बस इस बात से ही खुश होता है कि वो प्रिंस के साथ नाइट स्पेंड करने वाला है। प्रिंस फा को इस बात पर ज़्यादा खुश नहीं होने के लिए कहता है। फिर वो लोग सोने जाते हैं। प्रिंस नोटिस करता है कि फा ठंड से कांप रहा है, इसलिए वो उसे अपने ब्लैंकेट से कवर करता है और कहता है कि अगर उसे ठंड लग रही थी तो उसे ये बात कहनी चाहिए थी। पर प्रिंस को डाउट होता है कि कहीं फा नाटक तो नहीं कर रहा, इसलिए फा प्रिंस के गालों पर अपना हाथ रखता है जिससे प्रिंस को समझ में आ जाता है कि प्रिंस नाटक नहीं कर रहा था। फा प्रिंस को एक गेम खेलने के लिए कहता है जिसमें फा उससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और प्रिंस को बिना समय गवाए जवाब देना होगा। फा प्रिंस से कई सारे सवाल करता है और इसी सवालों के बीच वो प्रिंस के कान में फुसफुसाकर उससे डेट पर चलने के लिए पूछता है। कान में विस्पर करने की वजह से प्रिंस घबराकर उठ जाता है। प्रिंस बात को पलटने की कोशिश करता है पर फा उसे बात पलटने नहीं देता और फिर से डेट पर चलने के लिए पूछता है। प्रिंस फा के साथ डेट पर चलने के लिए मान जाता है। अगली सुबह फा अपना सामान पैक करके प्रिंस के घर उसे पिक करने जाता है। उसे वहाँ प्रिंस तो नहीं मिलता पर उसकी चिट्ठी मिलती है जिसमें प्रिंस ने लिखा था कि उसे किसी काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा है, वो उसे बस स्टेशन पिक करने आएगा। फा जीजी और मेसा के साथ बस टर्मिनल पर प्रिंस के आने का वेट करता है। सुंदर सी गाड़ी देखकर मेसा मजाक करता है कि अगर इस कार से प्रिंस उतरेगा तो ये चीज़ उसके लिए बहुत शॉकिंग होगी। फा को नहीं लगता है कि वो कार प्रिंस की होगी, लेकिन प्रिंस को उसी कार की तरफ से आता देख एक समय के लिए उन लोगों को लगता है कि वो कार सच में प्रिंस की है और प्रिंस ही बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। पर उनकी ये गलत फहमी होती है क्योंकि प्रिंस उनको पिक करने के लिए ट्रक लेकर आता है। प्रिंस उनको शहर घुमाने ले जाता है। वो लोग एक साथ कई सारे फोटोज़ खिंचवाते हैं, मज़े करते हैं। इसी बीच फा प्रिंस के साथ फ्लर्ट भी करता है और दोनों साथ में फ़ोटोज़ भी लेते हैं। फा प्रिंस को थैंक यू बोलने के लिए कोल्ड ड्रिंक देता है और अपने हाथों से पिलाने का ऑफर देता है। प्रिंस के मना करने पर फा धमकी देता है कि वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताएगा कि टीचर प्रिंस बहुत क्यूट है। प्रिंस उसे ऐसा करने के लिए चैलेंज करता है। फा सच में चिल्लाने लगता है कि प्रिंस को उसका मुंह बंद करना पड़ता है। प्रिंस फा के हाथों से ड्रिंक पीने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निया की तबीयत खराब होती है। किलेन उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। निया बच्चों की तरह किलेन को वहीं रुकने की जिद करता है। फिर किलेन अपने हाथों से निया को सूप पिलाता है और किलेन निया से कहता है कि अगर अगली बार उसकी तबीयत खराब हो तो वो उसे तुरंत बताएं, तबीयत ज़्यादा खराब होने की इंतजार ना करें। दूसरी ओर घूम फिर कर सभी लोग होटल आते हैं। बेड पर लेटते ही मेसा को नींद आ जाती है, इसलिए सभी लोग थोड़ा सा आराम करने का फैसला करते हैं। प्रिंस को अपने घर जाना होता है, इसलिए फा उसे बाहर गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं। तभी प्रिंस की माँ कॉल करके प्रिंस से फा को घर लाने के लिए कहती है। प्रिंस ये बात फा को बताते हैं। फा प्रिंस के घर उसकी माँ से मिलने जाने के लिए मान जाता है।
हैं। प्रिंस फा को अपने घर के बारे में थोड़ी सी बातें बताता है कि उसका घर बाकियों के घर की तरह नहीं है। फा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रिंस का घर कैसा है, वो इस बात का शुक्रगुजार है कि प्रिंस ने उसे अपने घर इन्वाइट किया। दोनों फिर प्रिंस के घर पहुँचते। प्रिंस का घर देखकर फा हैरान होता है, पर इससे ज़्यादा हैरानी तो फा को तब होती है जब फा को ये पता चलता है कि प्रिंस किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसलिए फा को थोड़ी थोड़ी चिंता होने लगती है। प्रिंस उसे ज़्यादा चिंता नहीं करने के लिए कहता और उसे यकीन दिलाता है कि उसकी फैमिली ओपन माइंडेड और ईजी गोइंग है। तभी प्रिंस की माँ को ट्रेडिशनल कपड़ों में आता देखकर फा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। प्रिंस की माँ फा के साथ थोड़ा सा प्रैंक करती है और गुस्सा होने का नाटक करती है। फा को लगता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया, इसलिए वो उनसे बार बार माफ़ी मांगता है। प्रिंस की माँ फा की ऐसी हालत देखकर हंसने लगती है और अपने प्रैंक के बारे में बताती है। फिर वो अपने कपड़े बदलने चली जाती है। फा को कंफ्यूज देखकर प्रिंस बताता है कि उसकी माँ को विजिटर्स के साथ प्रैंक करने की आदत है। प्रिंस फिर फा को अपना पूरा घर घुमाता है। फा कहता है कि उसे लगता था कि प्रिंस उसका सिर्फ नाम है, पर वो तो सचमुच का प्रिंस निकला और जो उसने उसके पास ब्रांडेड बैग और परफ्यूम देखे थे वो असली के थे। प्रिंस उस दिन फा से झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोगों को उसके सच्चाई के बारे में पता चले। फिर प्रिंस की माँ नॉर्मल कपड़े पहनकर फा को प्रिंस के बचपन के फोटोज़ दिखाती है, जिसे देखकर प्रिंस एम्बैरस फील करता है। जिस पर प्रिंस की माँ कहती है कि वो लोग बॉयफ्रेंड्स हैं, इसलिए प्रिंस को शाय फील करना नहीं चाहिए। प्रिंस की माँ उन दोनों को बॉयफ्रेंड इसलिए समझती क्योंकि प्रिंस अक्सर अपनी माँ से फा के बारे में बातें किया करता था। फा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले प्रिंस की माँ उसका और भांडा फोड़ दे, प्रिंस के जाने का समय हो जाता है। प्रिंस की माँ फा को प्रिंस का ख्याल रखने के लिए कहती है और प्रिंस को जब भी उनकी ज़रूरत पड़े उसे किसी को भेजकर उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। फा माँ और बेटे को थोड़ा अकेले समय बिताने के लिए कहकर गाड़ी लेने चला जाता है। प्रिंस की माँ प्रिंस से फा की तारीफ करती है कि उसने फा को चुनकर बहुत अच्छा किया, उन्हें भी वो बहुत पसंद आया। अब वो चाहती है कि प्रिंस और फा जल्दी से बॉयफ्रेंड्स बन जाए। प्रिंस को इस बात से बहुत शर्म आती है। फिर प्रिंस की माँ को याद आता है कि आज प्रिंस को अपने दोस्तों से मिलने जाना, जहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड सिंसियर भी होगा। प्रिंस को अब सिंसियर के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर प्रिंस की माँ को बहुत अच्छा लगता है। तब तक फा येलो स्पोर्ट्स कार लेकर आता है। ये कार फा को बहुत अच्छी लगती है। प्रिंस अपनी माँ को बाय बोलकर फा के साथ डिनर पर जाता है। तभी प्रिंस का एक्स बॉयफ्रेंड सिंसियर वहाँ आ जाता है और प्रिंस से प्राइवेट में बात करने के लिए कहता है। प्रिंस सिंसियर को फा के सामने ही बात करने के लिए कहता है, पर सिंसियर की जिद करने पर फा उन्हें प्राइवेसी देकर थोड़ा साइड में चला जाता है। पहले तो सिंसियर प्रिंस से नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करता है, फिर वो प्रिंस से फिर से पहले की तरह अपने रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। प्रिंस सिंसियर की बातें ध्यान से सुन भी नहीं रहा होता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो फा पर होता है, जो किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वो गुस्से में फा के पास जाता है और फा को वहाँ से खींच कर ले जाता है। इससे सिंसियर को ये तो समझ में आ जाता है कि फा और प्रिंस के बीच कुछ तो चल रहा है। प्रिंस को गुस्से में जलता हुआ देखकर फा को अच्छा लगता है। वो प्रिंस को बताता है कि वो उस लड़की से फ्लर्ट करने का नाटक कर रहा था ताकि प्रिंस को जलन हो और वो लोग एक साथ हो जाएं। प्रिंस भी एडमिट करता है कि उससे फा को किसी और के साथ देखकर जेलसी हो रही थी और उस चीज़ को फा मेकअप नहीं कर सकते हैं। फा प्रिंस का मूड ठीक करने के लिए प्रिंस के लिप्स पर किस करता है। प्रिंस इस चीज़ से काफ़ी सरप्राइज होता है। तभी उसके फ्रेंड्स का प्रिंस के पास कॉल आता है, जो उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। फा भी प्रिंस के साथ जाने के लिए कहता है ताकि उसके दोस्तों को भी पता चल जाए कि प्रिंस का ख्याल रखने के लिए पहाड़ पर उसे एक डॉक्टर मिल गया। वो लोग प्रिंस के दोस्तों से मिलने के लिए बाहर पहुँचते हैं। सिंसियर भी वहाँ पर मौजूद होता है। सिंसियर प्रिंस को अपने बगल में बैठने के लिए कहता है, पर फा उसके बगल में बैठ जाता है। फिर फा खुद को प्रिंस का करीबी दोस्त बताकर इंट्रोड्यूस करते हैं। सिंसियर के एक्सप्रेशन बताते हैं कि वो फा के वहाँ होने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जब फा वॉशरूम में होता है तो सिंसियर उसके पास जाता है। दोनों के बीच प्रिंस को लेकर बातें होती है। सिंसियर कहता है कि वो प्रिंस को उससे चुराने की कोशिश नहीं कर रहा है क्योंकि प्रिंस अपने लाइफ में एक ऐसे इंसान को चाहता है जिसके पास उसके लिए समय हो, और उसने सुना है कि फा डॉक्टर है, इसलिए वो अपने काम में बहुत बिजी भी होगा। अभी तो वो लोग साथ है, पर जब वो लोग अलग होंगे तो फा के पास प्रिंस के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होगा, और वो बस इतना चाहता है कि प्रिंस को एक ऐसा इंसान मिले जिसके पास उसके लिए वक्त हो। सिंसियर की बातें फा को उनके फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं और उसका मूड खराब हो जाता है। प्रिंस ये चीज़ नोटिस कर लेता है और फा से पूछता है कि वो ठीक तो है।
फा उसे कुछ भी नहीं बताते हैं और इंजॉय करने के लिए कहते हैं। प्रिंस को फा की बातों पर यकीन नहीं होता और वो नोटिस करता है कि फा आज कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रहा है। इससे पहले वो कुछ कह पाता है मेसा का कॉल आ जाता है। फा उससे बात करने के लिए बाहर जाता है। मेसा फा और प्रिंस को होटल वापस आने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें कहीं और भी घूमने जाना था। फा उनको अकेले जाने के लिए कहता है क्योंकि उसका कहीं पर भी जाने का मन नहीं कर रहा होता। फोन रखने के बाद फा अंदर जाने वाला होता है कि तभी कोई लड़की उससे टकरा जाती है और ठीक से सांस ना ले पाने का कंप्लेन करती है। फा जल्दी से किसी वेटर को बुलाता है और उसकी हेल्प से वो उसे अंदर फर्स्ट एड रूम में ले जाता है। तब तक प्रिंस भी पूरे नशे में होता है। फा को किसी लड़की के साथ जाता देख प्रिंस उसे आवाज देता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर नशे में होने की वजह से वो लड़खड़ा जाता है। मौके का फायदा उठाकर शिनशर प्रिंस को फा के खिलाफ भड़काने लगता है, इसलिए प्रिंस गुस्से और जेलसी में और पीने लगता है। सिंसियर प्रिंस को अपने घर ले जाने के लिए कहता है, पर प्रिंस नशे में भी बार बार फा का नाम पुकारता है। सिंसियर फिर से प्रिंस को फा के खिलाफ भड़काने लगता है, पर तब तक उस लड़की का इलाज करके फा वहां आ जाता है और सिंसियर से कहता है कि जिस बारे में उसे पता ना हो उस बारे में उसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। तभी जिस लड़की की फा ने हेल्प की थी वो वहां से गुजरते वक्त फा को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। ये देखकर सिंसियर के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है। फिर फा प्रिंस को अपने साथ ले जाता है। गाड़ी में प्रिंस फा पर गुस्सा करता है कि फा को तो अभी उस लड़की के साथ होना चाहिए, वो यहाँ क्या कर रहा है। फा उसे पूरी बात बताता है कि वो उस लड़की की मेडिकल हेल्प कर रहा था। आगे प्रिंस पूछता है कि फा वॉशरूम से आने के बाद अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था, जिस पर फा कहता है कि उसे उन दोनों का रिश्ता बहुत अजीब लगता है, जैसे आज ही उसे प्रिंस के घर वालों के बारे में पता चला, जबकि प्रिंस तो उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं। वो कौन है, क्या करता है, कुछ भी नहीं। और एक दिन जब वो लोग अपने अपने घर चले जाएंगे तो उसके पास प्रिंस का ख्याल रखने के लिए शायद वक्त भी नहीं होगा और उसे डाउट है कि क्या प्रिंस ये सब हैंडल कर पाएगा। प्रिंस फा के सवालों का जवाब उसे किस करके देता है। फिर फा से भी नहीं रहा जाता, वो सब कुछ भूलकर प्रिंस को किस करने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और कॉमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।